बाकी लीव अ लाइक अगर तुम भी सैड फील कर रहे हो मनोबर के लिए, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं भी सैड फील कर रहा हूँ। क्या चल रहा आजकल तुम्हें ये ओपनिंग पसंद आने लग गई है, हैं? और मैं थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आ जाऊँ, साले कमेंट आ रहे हैं MLM मार्केटिंग वाला लग रहा है। अरे नहीं है मेरे पास BMW भे, थोड़ा अच्छा लगने की कोशिश करता हूँ, बाल वैसे नहीं तो कपड़ों से करूँगा ना फ्लैक्स। भाई साहब देखो, अगर तुम बिग बॉस की न्यूज़ देखने आए हो ना तो वो तो मैं दूंगा ही, बट मैंने कल का एपिसोड देखा नहीं है, मैंने बाद में देखा है। अरे वो 9:30 शुरू कर देते यार, मेरे को वीडियो एडिट करनी होती है, मैं क्या करूँ, दूसरा चैनल भी चलाना पड़ता है यार, साला दूसरा चैनल डेड पड़ा है ना, क्या करूँ, छोड़ भी नहीं सकता, आदत है ना छोड़ने की। नहीं चल झूठा। हाँ तो बाद में मैंने बिग बॉस देखा, बट मैं जब एडिट कर रहा था मैं लाइव पे भी देख रहा था। भाई साहब मेरे को नहीं मालूम तुम्हें से कितने लोगों ने एंजॉय किया, बट मेरे को लगा दो ही चीज़ें मेन हुई हैं, एक रोना और दूसरा लड़ना। पहले किसकी बात करें, चलो सीक्वेंस में बात करते हैं, अरुण की बात करते हैं। शुरुआत में अरुण को बिग बॉस बुलाते कन्फेशन रूम में, अरुण रो जाता है, और ये चीज़ मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो ईशा मालविया हो, चाहे वो विकी जैन हो, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, हर कोई अरुण श्रीकांत शेट्टी के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? उसकी लैंग्वेज को लेके, कि आपको बात करने की तमीज नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। इवन सनराइज खान ने उसे कई बार बुला हुआ है, और जब तक सनी था फिर भी चलो शांत था, बट उसको टेंशन नहीं थी किसी भी चीज़ की, कि अगर वो बोलना भी है तो सनी के थ्रू वो बोल सकता था। पर जब से वो गया है वो फिर भी एक्टिव हुआ है, बट जो भी वो बोल रहा है उसको बैकफायर कर रहा है। अब तू और तुम करके या आप करने, उसको तीनों चीज़ सेम ही लग रही है, वो उसका स्टाइल है, उसकी जहाँ से वो आता वो वहाँ की है चीज़। अब इस पे लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुंबई का लैंग्वेज है ना ये, लाला बची माँ, मेरे को लाला वर्ड से नफरत है, बट फिर भी मैं सह सकता हूँ अगर मैं वहाँ पे हूँ। अभी दिल्ली में लाला बोलेगा या ऐसे फ़ोन पे लाला बोलेगा तो मेरे को दिक्कत हो जाती है, कमेंट में बोलोगे मैं पढ़ के छोड़ देता हूँ, बस मजे लेके जाता हूँ, तो वो चीज़ मेरे को समझ सकता हूँ। बट साले तुम्हें इस पे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारे खुद के वजूद पे सवाल उठाया जा रहा है, वो बंदा उसके बाद भी सबके सामने रहा, भले रोया नहीं हंसा नहीं, सीरियस रहा, चुप होना पड़ गया उसको, सॉरी बोलना पड़ गया उसको, जहाँ पे उसे पता है वो गलत भी नहीं है, समझ रहे हो। और अरुण को मैं सपोर्ट करता है क्योंकि अपना ऑनलाइन वाली बात है, कम्युनिटी का बात है, तो मुझे लगता है वो अनफेयर है, और जिसके लिए अभी तक बिग बॉस ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। क्या किया है कि ये नहीं उसको समझाया कि ये उसके बोलने का तरीका है, जैसे MC स्टैंड का सीज़न था उसमें लोगों ने को समझ में आया, लोगों ने समझाया, होस्ट ने समझाया, बिग बॉस ने समझाया कि वो उसकी लैंग्वेज है, वो स्लम एरिया से आ रहा है, उसके सराउंडिंग में उसने जो देखा है सीखा है वो उसकी भाषा है, वो उसका मतलब ये नहीं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट देना चाह रहा है, और इवन सेम अरुण के साथ कर रहे हैं, कॉर्नर किया जा रहा है उसको। चलो बिग बॉस बुला के क्या कहता है, जैपनीज में बात करो, जैपनीज क्या, कोरियन में बात करो। अरुण क्या फील कर रहा है, बिग बॉस हैज नो एफ्स टू गिव, उससे सीख रहे कोरियन, हेलो को क्या बोलते हैं। और अरुण टेक्निकली तो इनकरेक्ट है, बट अगर एज एन इंडियन देखा जाए तो सही बोलता है, अनियांगो, अरे मैं गूगल सर्च किया था यार, साला कोरियन को समझ में नहीं आया, बिग बॉस कहता मेरी बेइज्जती करा दी। अबे उस बंदे की सुन तो ले, जिस बंदे को थेरेपी रूम में बुला के समझाना चाहिए उसको नहीं बुला रहा, इधर उधर के हर बंदे को बुला रखा तूने, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर उसका सामान आता स्टोर रूम में, मुन्ना टॉयलेट सीट को हेड पहन के घूम रहा होता है, उसे बाद में पता चलता है, मेरे को भी नहीं पता चलता, क्योंकि भैया बाहर की टेक्नोलॉजी और इनकी तो अलग ही लेवल की होती है। वो हेड पहन के चल, बाद में बताता भी है, उसके बाद भी दिखाता है श्वेरा नील को कि देखो मेरे को लगा हेड है, अरे भाई अब पता तो चलिए, छोड़ दो उसको, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरुण मुनव्वर के साथ बैठा होता, कुछ बात चल रही होती है, विक्की आके टॉन्ट करने लगता है कि चमनप्राश नहीं आया आज तक दिमाग के रूम में, तो अब क्यों आया, मैं कहा क्यों नहीं आया भाई, इनके चमनप्राश तो पहले भी आया, जब तू दम के रूम में था तब आया हुआ है, दिल के रूम में आया हुआ है चमनप्राश, अब दिमाग के रूम में भेज दिया, जब तू नहीं है तो तेरे को ताने लग गए वो, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फन बेंटर चल रहा है ठीक है, वो बंदा पहले से लो फील कर रहा है तो एग्जैक्टली वहीं पे आ जाता है। अभी इन इसी बात में वो विग वाली बात उठा देता है, इस पर अंकिता लोखंडे घुस जाती है, मैं भाई साहब एक काम करो ना, वो होता है ना रोस्ट, चलो वो तो फिर भी होता है, तुम रियल लाइफ में रोस्ट कर लो, सबको बुला लो, सर्कल बना लो, और उनको बीच में रख दो, बाद में मुनव्वर को भी ले आना, क्योंकि यही दो मिल रहे हैं तुम्हें टारगेट करने के लिए, पहले जोकर भैया पे लगे पड़े थे सब, अब जोकर भैया के साथ सब दोस्त हैं, नहीं नहीं शो की इज्जत नहीं करता, इसको निकाल फेंको, अब क्या हुआ, अब उसके साथ बाइक पे क्या राइड पे जाना है तुम्हें, साले बैकग्राउंड में गाना बजेगा याद रखना तुम्हारे लिए भी। साला इसके बावजूद सॉरी बोलता है अरुण कि भैया मेरे को नहीं जाना चाहिए था, मैं गुस्से पे चला गया। अरुण को, अरुण ने दो बंदे पकड़े हुए हैं, विक्की जैन अभिषेक सद्दूगिरी। अब मुन्ना मुनव्वर का मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, जेनुअली को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आता है ना
कि ये कॉम्पिटिशन है, और उसको ये बोला उसने कि मेरे को मालूम है ये कॉम्पिटिशन है, तो भाई तू तो इस जगह पे कैसे बह सकता है कि हाँ मेरे को दोस्ती निभानी है, मेरे को भरोसा रखना है। मेरे को लगा तो कर रहा है मैनिपुलेट, खेल रहा है। मेरे को जेन्युइनली लगा था कि यार ये इसको सब पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी बार हिंट आ चुकी है कि वो नागिन है, स्नेक है, ये मनारा चोपड़ा या विकी या फिर ये अंकिता को छोड़ देते हैं फिर भी इसमें। अंकिता ठीक है, अंकिता फिर भी उतना नहीं करती मैनिपुलेट जितना विकी कर जाता है। अभिषेक, अभिषेक को कि भाई अभिषेक मनारा से बड़ा हरामी है, पता है क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ा दिमाग है यूटिलाइज करने के लिए, उस बारे में भी आएंगे। इस बारे में ईशा मालविया से बात कर रहा है। मैं कहा तुम समझ रहे हो मुनव्वर कितना लो फील कर रहा होगा, जहाँ पे उसे पूरे घर में ईशा मालविया दिमाग वाली लग रही है, और है वो, मना नहीं कर रहा कि वो नहीं है, बट वो 19 साल की है, उसने उतना कुछ नहीं देखा है जितना तूने देखा है। तुझे शांति से बैठ के सोचने की जरूरत है, तो वो जरूरी है तेरे लिए। इसके बाद विक्की जैन आके समझा रहा है, और ये भी नहीं कि गलत समझा रहा है, सही समझा रहा है, बट बहन क्या जो वो समझा रहा है वहाँ पे वो अपने आप को साइड रख रहा है, अंकिता को साइड रख रहा है, तारीफ कर रहा है। बट तूने कहा था ना, जो तुम्हारे मुंह पे दूसरे की तारीफ करे, तुम्हारी तारीफ करे या दूसरे की बुराई करे, जो तुमसे नफरत करता है उनसे कभी, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे वो बंदा गेम वाइज सही है, रियल लाइफ में दोस्त बनाने लायक भी सही होंगे, बट गेम में दोस्ती निभाने लायक नहीं है वो। जिनको वो बाहर से जानता उसका सगा नहीं हो तेरा क्या होगा, उसे भी आगे जाना है। अभिषेक और विक्की दोनों का सेम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने के लिए, बट मुनव्वर रो गया। और किस बात पर झाड़ू, मैं किस बात पर झाड़ू, मनारा चोपड़ा के लिए झाड़ू? वो उसे पता है भैया मैं, अब वो रोया किसी एक के लिए नहीं है, वो अपनी जर्नी के लिए रोया है कि मैं गलत इस बात पे हो गया कि मैंने कितना झेला हुआ है, और मैं झेला है इसलिए मेरा पेशेंस लेवल ज्यादा है, बट यहाँ पे वो लोगों को नहीं दिख रहा है, तो वो अपनी गलती पे रो रहा है, मैं इस पर क्या झाड़ू? झाड़ने को तो मैं झाड़ दूंगा पूरे घर को, बिग बॉस को भी, और मेरा मूड नहीं है झाड़ने का, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्लो फील कर गया, क्योंकि मेरे को दिख रही है दोनों चीजें, दो चीजें जो हो रही है वो बहुत गलत है। बात तो सही है, मैं सही बताऊं फ्रेंकली अभी इस सिचुएशन में मुझे लगता है मुनव्वर को किस पर भरोसा करना चाहिए? रिंकू, नील, समर्थ, ईशा, और एक और कोई ले लो, कोई एक ढूंढना पड़ेगा। ये लोग फिर भी ठीक है, ऐश्वर्या ट्रस्ट वर्थी नहीं है भाई, उसकी नैगिंग सुनने के लिए उसका पति काफी है, हम नहीं सुन सकते, हमसे ना हो पाएगा। और एक तो ये भी है, इस पे ऐश्वर्या को टारगेट किया जाता है, जहाँ तक मुझे अभी समझ में आया कि हर वीकेंड के बारे में उसे टोक दिया जाता है कि तू चढ़ जाती है अपने पति पे, जबकि तेरा पति कामली बात करता है। मैं कहा भाई ये आइडल रिलेशनशिप है, एक दूसरे किसी भी औरत से पूछ लो किनको कैसा पति चाहिए, विक्की जैसा पति चाहिए या नील भट्ट जैसा पति चाहिए? मोस्टली लड़कियाँ नील भट्ट को ही चुनेंगी, और उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, तुम लड़की के दिमाग में थॉट क्यों डाल रहे हो? वो मूवी थी ना तू झूठी मैं मक्कार, कि वो लड़की है, वो खुद कर लेगी सब कुछ, तुम थॉट डालते हो खुद बना लेती अपने दिमाग में। नील भट्ट कह रहे कि मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी, वो बनाए जा रही है, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? कई मतलब रहम आता मुझे नील पे, बट फिर मैं देखता हूँ कि बंदा प्यार तो करता ही है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, छोड़ो इतना मैं अलाउ करता हूँ दोनों के लिए। देखो दो रिश्ते में है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उन दोनों की है ना, तो मेरे को लगता नहीं बाकियों को भी इसमें कोई पेट्रोल डालने की जरूरत है। बात तो सही है। हाँ तो कुल मिला के हाईलाइट इतनी थी। इसके बाद अभिषेक को झाड़ेंगे हम, क्यों? क्योंकि अभिषेक को सलमान की फीडबैक में से सिर्फ एक चीज समझ में आई कि ईशा मालविया समर्थ के साथ है, तो अब मत करो उसके साथ या उस बारे में बात, तो अब उसके पास तो कोई है नहीं, तो बंदे ने 1.5 दिन लगा के ये सोचा कि इन सब में से किससे लड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि मुनव्वर के बारे में बोला वो लड़ेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो आम कामली बात करता है, तो उससे तो लड़ नहीं सकते, प्लस मुनव्वर की कट्टर फैन फॉलोइंग है, तो उससे लड़ गए तो वो साइड इफेक्ट देगा, तो किसको पकड़ सकते हैं जो स्मार्ट है और जिससे थोड़े बहुत लोग किलस्ते भी हों? विक्की जैन। विक्की जैन अपना बैठा हुआ था, खानजादी से बहस होती, विक्की जैन को अभिषेक दिखाता है कि देखो ये नौटंकी कर रही है, विक्की जैन देखता है, फिर वो आता है बात करने के लिए, इस पे लड़ गया, और विक्की बोलता है कि ठीक है अगर वो बात नहीं करनी मैं बाद में कर लेगा, या जो करना है वो कर ले उसके बाद बात कर लेंगे, इस पे भड़क गया, अननेसेसरी भड़का, मुंह पे आके खड़ा हो गया, धक्काबाजी करने लग गया, कहता आप धक्का दे रहे हैं, आप मुंह पे चढ़ रहे हैं, वो पीछे हट जाता है, वो ये बोल के हटता है कि मैं पीछे हटूंगा ना तू बोलेगा, और वो हट जाता बोल के, इसके मुंह में पहला डायलॉग होता है आ फट गई ये भी, और बीच में रोकना पड़ता है इसको, विक्की जैन पॉइंट आउट कर देगा, अब ये पीछे हट गया फिर पीछे आया, एग्जैक्टली पैटर्न वही है, बस नया टारगेट ढूंढ लिया इन्होंने। बाकी आज का प्रोमो आया हुआ है उसमें भी विक्की जैन से लड़ रहा है, अरे 40 का हो गया ये कर रहा था, अरे तो तेरे लिए उम्र कम कर लूँ, तेरे जैसे फुद्दू से बात करने के लिए उम्र कम कर लूँ, कितने साल का अभिषेक कौन तेरा बताना मुझे, साला गूगल सर्च करो तो भी नहीं मिलता, 25-26 का होगा, 6 साल बड़ा है तेरे से, 6 साल तो मैं बड़ा हूँ तेरे से, कितने साल छोटी होगी,
सात साल छोटी हुई ईशा मालविया, वो भी तेरे से ज्यादा समझदार है, लड़ाई में वो भी लिमिट क्रॉस कर दे कई बार, बट तेरे जितनी लिमिट किसी ने क्रॉस नहीं करी भाई। सिद्धार्थ शुक्ला ने इतनी बदतमीजियां करी हुई हैं गुस्से में, बट उसने लिमिट बहुत रेयरली क्रॉस करी है। उसने सबको इक्वली ट्रीट किया जैसा वो करता है, और कभी भी गिल्टी फील नहीं करी, चाहे वो सलमान खान हो, बिग बॉस हो, या ऑडियंस के क्वेश्चन हो, उसने जो किया डंके की चोट पे किया है। और इस साले को सिद्धार्थ शुक्ला बनना। बाकी लीव अ लाइक अगर तुम भी सैड फील कर रहे हो मनोबर के लिए, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं भी सैड फील कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, एक तो यूट्यूब हरामी है, उसको दिख रहा है ना कि दोनों चैनल साथ चलाने की कोशिश कर रहा है, इस पे भी लिमिट लगा दी सालों ने, इसको भी शैडो बैन कर दिया, वरना कितना सही चल रहा था पहले ये। चलो प्लीज।